हम स्केल ले लेंगे, स्केल से मेजर करेंगे कि ए फोर शीट पर हमें किस जगह पर बनाना है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेंगे, यानी 0 to 2.5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ ऐसे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम स्लैंट होके इस तरह इसको ऐसे घुमा देंगे। इस पॉइंट से नीचे की ओर ऐसे लाइन खींचेंगे और ऊपर की तरफ हम ऐसे मूव कर देंगे इसको। ये वाले पॉइंट से ऊपर की ओर यहाँ तक, उसके बाद इस लाइन को ऐसे घुमा देंगे और ऊपर की ओर इसी लेवल के ले आएंगे। हम इस लाइन के से इस तरह, मतलब ये पॉइंट से हम यहाँ तक ऐसे एक लाइन खींचेंगे और ऊपर की ओर ले जाके हम इस तरह से यहीं पे जोड़ देंगे। इसे हम ऊपर की ओर इस तरह से यहाँ तक लाइन खींच लेंगे और लाइन थोड़ी सी कर्व होगी। हम यहाँ पर इस पॉइंट पे ऐसे हल्का सा आर्क खींचेंगे और ऊपर की तरफ ऐसे दो लाइन बना लेंगे। इस ये जो हमने पार्ट बनाया है उसके आगे ये वाली लाइन और इस लाइन के इक्वल अगर हम इसको जोड़ें तो ऊपर की ओर यहाँ से इस तरह हम घुमा देंगे इसको। इसी पॉइंट को हम इस तरह मूव करेंगे और पीछे की ओर ऐसे ले आएंगे। तो आई बनाऊंगा तो यहाँ से इतनी दूरी पे मैं एक पॉइंट लूँगा और उस पॉइंट को ऊपर की तरफ ऐसे घुमाऊंगा और इस जगह यहाँ पे बना दूंगा। तो ये मैं देखूंगा मेरी जो आई का पॉइंट है दोनों आमने सामने एक लाइन में होगा। अब इसके बाद मैं इस लाइन के बाद एक सर्किल बनाऊंगा और ये मेरी आई बॉल हो जाएगी और आई बॉल के अंदर इस तरह से मैं एक छोटा सा सर्किल और बना दूंगा। अब इसके बाद इस आई बॉल के जस्ट नीचे से एक पॉइंट लूंगा और ऊपर की ओर इस तरह मिला दूंगा और इसी तरह यहां से इस जगह पे मिला लूंगा। इस पार्ट से ऊपर की ओर इस तरह से एस शेप में एक लाइन बनाऊंगा और उसके बाद इसी लाइन को पीछे की ओर इस जगह पे मैं यहां लाके जोड़ दूंगा और उसके बाद बीच में इस जगह पे हल्का सा एक टर्न देके नीचे की ओर ले आऊंगा। इस पॉइंट से जो कि इसकी सीध में है यहां से मैं एक लाइन इस तरह खींच लूंगा। इस पॉइंट से ऊपर की ओर ऐसे एक आर्क, उसके बाद यहां से एक आर्क और एक यहां से इस तरह से बना लूंगा। अब इसके बाद इस वाले पॉइंट से मैं पीछे की आगे की ओर इस तरह से आर्क इस तरह बनाऊंगा, उसके बाद यहां से मैं इस चीज में आके यहां से ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे आर्क बनाऊंगा और इस वाले पॉइंट से पीछे की ओर उसी तरह यहां आके थोड़ा सा नीचे की ओर, यहां से नीचे की ओर इस पॉइंट पे जोड़ दूंगा। पॉइंट से आगे की ओर इसके लेवल तक इस पॉइंट से एक लाइन पीछे की ओर और दूसरी लाइन आगे की ओर यहां से
हल्का सा टर्न देके यहां तक खींच लूंगा इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट से पीछे की ओर यहां तक हल्का सा एक आर्क बनाऊंगा। इस पॉइंट से सीधी एक लाइन खींचूंगा और इस पॉइंट के बराबर, इससे थोड़ा सा आगे रहेगी ये लाइन, और इसके इसको जोड़ दूंगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ दूंगा ऊपर की ओर, इसके सीधा ही इसके पैरेलल मैं यहां से टर्न ले लूंगा और टर्न लेके इसको ऊपर की ओर मूव कर लूंगा। ये पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट लेके मैं इस पॉइंट से आगे की ओर एक लाइन, और लाइन को यहां से टर्न कर लूंगा नीचे की ओर, तो ये इसकी हाइट ज्यादा रहेगी इससे। अब ये वाले पॉइंट से मैं पीछे की ओर लाइन खींच लूंगा और उसके बाद इस लाइन के इक्वल लेंथ पे मैं ये लाइन खींच लूंगा और इसको पीछे की ओर इस तरह से ऐड कर लूंगा। और इसी लाइन के जैसे टर्न, एक टर्न, दो टर्न पे ऐसे इस तरह से कर लूंगा और इस पॉइंट से पीछे की ओर यहां तक, और उसके बाद यहां से इसको घुमा दूंगा मैं। अब मैं इस पॉइंट पर आ जाऊंगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस सीध में होगी और यहां से मैं लाइन को सीधी ले जाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके पीछे की ओर ऐसे ले लूंगा। ये इस पॉइंट से ऐसे एक लाइन खींचूंगा यहां तक, इसी पॉइंट से ऊपर की ओर इस तरह से एक लाइन खींचूंगा। इसे मैं पीछे की ओर इस तरह से एक लाइन खींचूंगा और आगे की ओर इस तरह से इसको घुमा दूंगा। ये जो मैंने आर्क खींचा है उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके इसकी डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूँगा और इस पॉइंट को, इस पॉइंट से मैं लाइन को पीछे की ओर इस तरह से इससे मिला दूंगा। पॉइंट से आगे की ओर हल्का सा टर्न देके वन टू इस तरह का स्ट्रक्चर बना लूंगा और यहां से ऐसे लाइन लेके इस तरह से मैं खींच इस पॉइंट से को आगे की ओर बढ़ा लूंगा और इसको पीछे ऊपर की ओर इस तरह मिला लूंगा। मैं इस तरह से एक लाइन छोटी सी खींचूंगा, फिर उसके बाद इधर इस लाइन को ऐसे घुमा दूंगा यहां तक, और उसके बाद फिर मैं नीचे की ओर इस तरह से यहां तक इस लाइन को ले आऊंगा। अब इस पॉइंट से नीचे की ओर यहां तक, यहां से मैं इस तरह से लाइन खींचूंगा और इसको ऐसे घुमा दूंगा और पीछे की ओर लेके इसको आगे इस तरह से इस पॉइंट से मिला लूंगा। पूंछ बनाऊंगा, तो पूंछ के लिए इस पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट से मैं ऐसे एक हल्का सा कर्व खींचूंगा और नीचे की ओर यहां तक, इससे थोड़ा सा नीचे की ओर यहां तक ऐसे इसके इक्वल ले आऊंगा। फिर उसके बाद मैं इसी पॉइंट से दूसरी एक लाइन खींचूंगा और ऊपर से इसको यहां से टर्न करके
इस पॉइंट से मिला लूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से मैं इसी लाइन के पैरेलल हल्का सा टर्न लेके इस तरह इसको घुमा दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से हल्का सा ऐसा टर्न लेके इस तरह बना लूंगा। आउटलाइन तैयार हो गई है। अब मैं यहां पे एक लाइन इस तरह खींचूंगा, दूसरी, तीसरी एंड चौथी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम कलर करते हैं इसको। तो चलिए तो अब कलर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्केच पेन से ये पार्ट को डार्क कर लूंगा। तो आई बॉल जो है उसको मैंने ब्लैक स्केच पेन से कर लिया है। इसके बाद मैं येलो कलर लूंगा और येलो कलर से इस वाले पार्ट को कलर कर लूंगा करूंगा इस तरह से। और इस तरह से मैंने येलो कलर अप्लाई कर लिया है इस जगह पर। अब जहां जहां मैं येलो कलर की जरूरत है वहां वहां येलो कलर कर लूंगा। यहां पे भी पीछे की तरफ से आगे की ओर यहां तक करेंगे और यहां पे पीछे से आगे की ओर कलर करेंगे। यहां भी पीछे की ओर से आगे की ओर और यहां भी इसी तरह। तो इतनी जगह यूनिकॉर्न का कलर हम कर लेंगे। बीच में यहां पे भी येलो कलर है, यहां पे भी कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लू कलर लेते हैं। तो ब्लू कलर यहां पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से यहां पे हम ब्लू कलर अप्लाई कर लेंगे। इस वाले पार्ट पे भी ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। तो सिंपल स्केच पेन को मैं यूज कर रहा हूं। यहां भी ब्लू कलर और उसके बाद ये वाले पार्ट पे भी हम ब्लू कलर अप्लाई कर लेंगे। इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए कलर। इस तरह से मैंने ब्लू कलर अप्लाई कर लिया। अब मैं पिंक कलर लेता हूं। तो पिंक कलर मैं अप्लाई करूंगा इस जगह पर। उसके बाद ये वाले पार्ट पर इस तरह से। फिर उसके बाद यहां पे इसके बाद इस जगह पे। तो जितनी जगह मैंने कलर यूज किया एक बार कलर लेके सब जगह एक ही कलर को जहां जहां जो भी कलर है उसको अप्लाई कर लिया। उसके बाद यहां पर अब मैं ग्रीन कलर लूंगा और ग्रीन कलर को यहां पे अप्लाई करूंगा। यहां पे अप्लाई करूंगा। उसके बाद इस वाले पार्ट पर
पूंछ की इस पार्ट पर अप्लाई कलर इस तरह करूंगा। अब मैं लाइट पिंक कलर ले लेता हूँ और लाइट पिंक कलर को हमें इस जगह पे ऐसे अप्लाई करूंगा। अब इसके बाद मैंने मार्कर पेन ले लिया है, पेन से मैं इसको आउटलाइन कर लूंगा। तो इस तरह से मैंने यूनिकॉर्न को पहले पेंसिल से बनाया, फिर उसके बाद पेन से आउटलाइन कर ली। तो ये मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।